एक स्टोरी फन में आपको वेलकम करती हूँ। आज आपके लिए नई स्टोरी लाई हूँ। सब्सक्राइब कीजिए कि स्टोरी फन को, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। एक जंगल में एक शेर हुक्मरानी करता था। शेर जंगल का बादशाह था और जब भी शिकार के लिए जाता, उसकी वाइफ शेरनी अपने दोस्तों को उसके बचे हुए शिकार खाने के लिए बुला लेती। दोस्त उसके तीन। शेरनी से तंग आकर अपने लिए एक तोता रखा जो उसके लिए जासूसी करता। शेरनी उसका पिंजरा अपने घर में बनाया और शिकार के लिए जाने से पहले तोते को अपनी आंखें खुली रखने के लिए कहा। अब शेर तोते को कह रहा, जैसे ही मैं शिकार के लिए जाऊँ, तुमने शेरनी के यहाँ जितने भी दोस्त आते हैं या कोई भी आता है उसके बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। अब शेर तो चला गया शिकार के लिए और उसके दोस्त उसके घर में आ गए। शेरनी के दोस्त गीदड़, लूमर और चूहा। अब शेर जब घर वापस आया तो उसने तोते से पूछा कि यहाँ कौन आया है। तोते ने उसे बताया। अब वो शेरनी पर गुस्सा करने लगा, लेकिन शेरनी इस बात को ना मानी। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आपको यकीनन हजूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारे दरमियान कोई गलत बातें फैला रहा है, कोई गलत बयानी कर रहा है ताकि आप और मैं एक दूसरे के साथ नाराज हो जाएं और इस बात का कोई फायदा उठाए। शेरनी ने शेर को बहुत ज़्यादा इत्मीनान दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कोई मसला नहीं है। शेर गुस्से से चुप कर गया, लेकिन अब वह जब शिकार के लिए गया तो पीछे से फिर उसके दोस्त आए। आकर उसके किए हुए बचे हुए बाकी शिकार के मजे लेने लगे और मजा लेकर खाने लगे। अब शेर जब वापस आया तो तोते ने फिर उसको बताया कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ शेरनी के कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने तुम्हारा बचा हुआ शिकार खा लिया है और शेरनी तुमसे उनके साथ तुम्हारा किया हुआ शिकार शेयर कर रही थी। अब तो शेर गुस्से से पागल हो गया और शेरनी की तरफ बढ़ा। उसे बताया कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा, आइंदा मेरे बचे हुए शिकार पर अगर तुमने अपने दोस्तों को दावत दी तो अच्छा ना होगा। शेरनी ने सोचा, कोई ज़रूर है जो आंखों देखा हाल बता रहा है, मुझे पता करना चाहिए। उसने देखा तो सामने तोता था। अब उसने अपने दोस्तों को बुला भेजा और तोते को यहाँ से रफू चक्कर करने की और इसे सजा देने के बारे में पूरी प्लानिंग कर ली। अब काफ़ी दिनों के बाद जब शेर शिकार के लिए गया तो शेरनी ने अपने दोस्तों को बुला भेजा और तोते का अंजाम बुरा करने के लिए तैयार हो गई। सबसे पहले तो उसने लाइट कार की बंद कर दी। आग बुझाने से तोते को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर कव्वे ने तोते के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया। चूहे ने नीचे आग का दिया लेकर खड़ा हो गया और गीदड़ उसके पास मुंह से हवाएं देने लगा। अब तोता बेचारा घबरा गया, अंधेरा था, नज़र उसे कुछ नहीं आ रहा था। इतनी गर्मी क्यों है, ये तूफानी हवाएं क्यों चल रही हैं और बारिश, इतनी तूफानी बारिश कैसे हो रही है कि मैं गीला हो रहा हूँ। तोते को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शेरनी को अपनी चाल कामयाब होती नजर आ रही थी, वो बेहद खुश थी। जब शेर शिकार से वापस लौटा तो उसने तोते से पूछा, तोते पीछे क्या हुआ? तो तोते ने बताया, तेज हवाएं चली, गर्मी भी बहुत थी और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि अगर बारिश हो रही होती तो यहाँ गार में तूफानी बारिश से पानी जमा होता है या बाहर कहीं पानी होता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई। हमारे घर के बाहर और अंदर कहीं भी पानी नहीं है। शेरनी ने कहा, देखा मैंने आपको कहती थी, कोई हमारे दरमियान गलत फहमी फैला रहा है, कोई गलत बातें आपको बता रहा है। शेर को गुस्से से पागल हो गया, कहा तुम तोते तुम थे जो मुझे बेवकूफ बना रहे थे और मैंने शेरनी की बजाय तुम्हारी बातों पर यकीन किया, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। उसने तोते को मारना चाहा, लेकिन शेरनी ने कहा, नहीं नहीं, इसे मारिए मत, इसे जाने दीजिए, बेचारी छोटी सी जान का आपके सामने क्या मुकाबला, आप इसको छोड़ दें ताकि यहाँ से दूर चला जाए और हमारे घर में दोबारा कभी ना आए। शेर जो कि काफ़ी गुस्से में था, उसने शेरनी की बात मान ली। तो देखा दोस्तों आपने, शेरनी ने किस तरह शेर को बेवकूफ़ बनाया और शेर भी उसकी बातों में आ गया। तोता बेचारा यूं ही फंस गया क्योंकि चुगलीजू करता था। सब्सक्राइब कीजिए।